रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बीएनबी यूएसडीटी के ऊपर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बीएनबी यूएसडीटी, मैं इसका फुल फीचर चार्ट ओपन कर लेता हूँ पहले। जी आ गया। ये 1 आवर बीएनबी का 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और इसके ऊपर इसे देखते हैं कि किस तरह इसने मतलब अपने जो रेसिस्टेंस थी और सपोर्ट थी उसको फॉलो किया है। तो मैं इसे थोड़ा सा रीसेट अगर करके आपको दिखाऊं तो ये चेक करें। अब यहाँ पे उसने यहाँ पे गया तो उसकी सपोर्ट थी अपना सॉरी रेसिस्टेंस थी, और उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे आया, अपने सपोर्ट के ऊपर टकराया, फिर ऊपर, फिर वो नीचे आया। ऐसा सा जिगजैग की तरह वो शक्ल बनाता रहा बनाता रहा, और यहाँ पे जब ब्रिटिश ने डंप लिया था तो वो नीचे हो गया। मतलब सपोर्ट उसने मुकम्मल तोड़ के ऊपर तोड़ दी थी, लेकिन फिर ब्रिटिश थोड़ी सी ऊपर आई, जिसकी वजह से वो अपने मुकम्मल जो अपना जून था उसके अंदर रह गया। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे भी वो अपनी सपोर्ट के अंदर ही था, और उसके बाद थोड़ा सा वो निकला बाहर, लेकिन वो वापस आ गया। लेकिन यहाँ पर वापस आने के बाद थोड़ा सा फिर वो ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे अगर वो नीचे नहीं टकरा रहा, मतलब दरमियान से होके वो वापस जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने रेसिस्टेंस को तोड़ रहा है। जो उसकी रेसिस्टेंस है वो उससे अब ऊपर निकलने वाला है। तो बेसिकली मैंने इस बीएनबी का जो सिग्नल था वो 513 के ऊपर अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया था। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसे ज्वाइन नहीं किया तो उसे लाजमी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं ऑलरेडी सिग्नल पोस्ट कर देता हूँ और बाद में ये समझाने के लिए वीडियो वगैरह बना देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि नए जो इसके बाद में प्रेडिक्शन कर वो आप तक पहुंच सके। दो में याद रखना। फसला।